वार करेंगे। ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। मी बाजीराव सिंह मराठा है मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। अजय देवगन की सिंघम 3 में एक और लेडी कॉप की हुई एंट्री। जानिए किस किरदार में नजर आएंगी ये टीवी एक्ट्रेस। टीवी की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्वेता तिवारी अपने लुक को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। बढ़ती उम्र के बावजूद भी श्वेता युवा अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। वो इन दिनों रोहित शेट्टी की आगामी सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को लेकर चर्चा में हैं, जिसके जरिए उन्होंने OTT पर कदम रखा है। एक तरफ श्वेता इसको लेकर सुर्खियों में है, वहीं अभिनेत्री ने हाल ही में रोहित की दूसरी फिल्म सिंघम 3 पर भी बात की। 5 दिसंबर को रोहित निर्देशित एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में निर्देशक ने पुष्टि करते हुए कहा कि श्वेता न केवल सीरीज में बल्कि उनकी अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म सिंघम अगेन में भी दिखा देगी। श्वेता ने बताया कि इस फिल्म में वो खुफिया अधिकारी बनी है। सिंघम 3 में अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणबीर सिंह, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसते हुए श्वेता ने कहा, रोहित सर ने मुझसे कहा था कि वो मुझे तभी दूसरा प्रोजेक्ट देंगे जब उन्हें इंडियन पुलिस फोर्स के सेट पर हर रोज खाना मिलेगा, लेकिन इसके बिना ही उन्होंने मेरे सामने अपनी अगली फिल्म की पेशकश कर दी थी। रोहित की पहली वेब सीरीज का रिलीज हुआ ट्रेलर एक्शन से भरपूर है, इसे दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा को रोहित की कॉप यूनिवर्स में पुलिस की वर्दी पहने देख काफी उत्साहित हो गए हैं। इंडियन पुलिस फोर्स OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी, श्वेता तिवारी, निकितिन धीर और शरद केलकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। इस सीरीज का पहला एपिसोड 19 जनवरी को स्ट्रीम होगा। वैसे आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।